जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम। सॉरी 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 सॉरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी चैनल पे। दोस्तों अभी अभी मैंने वेब सीरीज़ देख के कंप्लीट की। रात के कितने बजे है? हाँ 5:51। हाँ 6 बजे है, रात के 6 बजे, मतलब सुबह के 6 बजे है। अभी अभी मैंने वेब सीरीज़ देख के कंप्लीट की है, आश्रम सीज़न 1 पार्ट 2। और टोटल 9 एपिसोड है वेब सीरीज़ के। हर एक एपिसोड 35-45, पहले के एपिसोड 30-35 मिनट जैसे कुछ है, और आखिर के 3-4 एपिसोड थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, 45 मिनट, और आखिर वाला एपिसोड जो 1 घंटे अराउंड जैसा कुछ है। तो आपको पूरा देखने में 6-6.5 घंटे जैसा कुछ लगेगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 6-6.5 घंटे जैसा लगेगा। तो ये वेब सीरीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे बॉलीवुड वालों को एक्चुअली दिक्कत क्या है। एक मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट जो आता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, और जो हाइप हमारे अंदर आ जाती है सेकंड पार्ट को लेकर कि यार ये आएगा वो आएगा, ये देखने में मज़ा आएगा ये देखने में मज़ा आएगा, तो ऐसा होता क्यों नहीं है हर बार? हर बार ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं पूरी सीज़न देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मतलब जब मैंने फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था, वहीं पे मतलब मैं आके वापस रुक गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो एंडिंग हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी कि बाबा का पर्दाफाश होने वाला है, अभी तो ये जो पार्ट टू है वो डार्क साइड है। तो डार्क साइड तो बाबा की हमें दिखाई गई है, वो दिखाई गई है हमें कि बाबा, मतलब दिखाई, मतलब क्या दिखाई गई है यार? जो कर रहे थे वो तो पहली सीज़न में ही हमें पता था कि बाबा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो पूरा सीज़न आपने दिखाया क्या है यार? कुछ नहीं देखने को मिला नया मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ इस वेब सीरीज़ को लेकर, मतलब सेकंड पार्ट को लेकर, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं यार। 6 घंटे से 6-6.5 घंटे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। सिंपल वे में आपको मैं बताऊँ, इसका स्क्रीन प्ले इतना स्लो है, इतना स्लो है, मतलब हर मतलब जो अगर एक सीन है जो 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, मतलब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये सीन है, इसको ये बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे खामखा हमारे मतलब लेंदी बनाया जा रहा है। 5 मिनट का वो सीन बनाया जा रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, अगर पम्मी नाम का जो कैरेक्टर है वो जा रहा है चल के, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है बाबा को मतलब यहाँ से भागने की, आश्रम से भागने की, तो 1 ही मिनट में हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन खामखा उसे 5 मिनट खींचा जा रहा है वही सीन को। मतलब हर एक, मतलब ये मैं एक सीन की बात कर रहा हूँ, हर एक सीन इसी तरह से खींचा जा रहा है। और ओवरऑल मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, जो आप पूरे 6-6.5 घंटे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी चीज़ 1 घंटे में भी बनाई जा सके, मतलब 2 एपिसोड में ये जो हमें दिखाया गया वो सब ख़त्म हो जाता, उसके बाकी के 7 एपिसोड हमें कुछ नया दिखा सकते थे वो। ऐसा आपको फीलिंग होगा जैसा मुझे हो रहा है। क्या है यार, बहुत ही ज़्यादा हाइप थी इस वेब सीरीज को लेकर, क्योंकि एक जहाँ पे ये सीज़न मतलब पार्ट 1 जो एंडिंग हुआ था, हमें बताया गया था कि इसका पूरा डार्क साइड आएगा, तो हमें ऐसा लग रहा था कि बाबा का जो डार्क साइड है वो तो हमें पहले सीजन में पता ही चल गया था, पहले पार्ट में पता ही चल गया था कि ऐसा ऐसा सब बाबा कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब जो अभी पहले पार्ट में जो कैरेक्टर जो बहुत ही लो दिखाए गए हमें, वो उसे पावरफुल लिखा कर देंगे और बाबा के खिलाफ उसे कर देंगे। क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था तब हमें ट्रेलर में लग रहा था कि बाबा को भी ऐसा भूपा भाई, हाँ भूपा भाई, जप नाम जप नाम। मैं भूपा भाई का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यार, पहले पार्ट से ही। मैंने पहले पार्ट के रिव्यू में भी बोला था मुझे एक कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया है, बाकी सब कैरेक्टर की बात छोड़ो, मुझे एक ही कैरेक्टर बहुत ही पसंद है, वो है भूपा भाई अपने। तो सेकंड पार्ट में भी उसकी उसकी ही बात करूँगा, मुझे सेकंड पार्ट में भी उन्हीं का काम बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है उन्हें देखने में। तो हाँ, जब उसके ट्रेलर में हमने देखा था कि बाबा जी अपने बॉबी देओल और भूपा भाई अपने, वो थोड़े से डरे हुए हमें लग रहे थे कि यार अभी आश्रम में कुछ अनहोनी होने वाली है, तो
कहाँ है यार वो अनहोनी, कहाँ है यार? जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो भी ज़्यादा मतलब एंगेजिंग, इतनी सारी स्टोरी थी, मतलब कंफ्यूजिंग स्टोरी थी। अगर बाबा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सीएम की चुनाव को लेकर, सीएम उन्हें डिसाइड करना है, दोनों जो अपोजिट पार्टी है और जो सीएम लीडर पार्टी है दोनों उनके पास आते हैं कि बाबा हमें जितवा दो हमें, तो बाबा सब दोनों को हाँ बोल देते हैं और बाबा खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि किसको जितवाना है। ये सब मतलब बहुत सारी बातें हैं, इन्वेस्टिगेशन है, पम्मी का जो एक कैरेक्टर है उनको भी पता चलता है बाबा के बारे में, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो घूमती रहती है, लेकिन सभी कोई भी स्टोरी एंगेजिंग नहीं है जो आपको पकड़ के रखेगी, जो कैरेक्टर है आपको पकड़ के रखेगा जो, और कैरेक्टर तो सभी बुरा नहीं है, नया कैरेक्टर कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एंगेजिंग एंगेज करके नहीं रखेगा कोई भी कैरेक्टर। सिर्फ एक भूपा भाई आपको एंगेज करके रखेंगे, भूपा भाई आई लव यू, मुझे तो भूपा भाई बहुत पसंद है यार। तो ओवरऑल मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ यार, डिसअपॉइंटमेंट हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ पार्ट टू से, और थर्ड पार्ट भी आने वाला है क्योंकि जो एंडिंग में हमें दिखाया गया है, मतलब ये भी अभी अभी थर्ड पार्ट नहीं आएगा, अभी आएगा तो दूसरी सीज़न आएगी ऐसा मुझे लग रहा है। थर्ड पार्ट नहीं आएगा, अभी दूसरी सीज़न आएगी और खामा खा ये खींच रहे हैं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है खामा खा खींच रहे हैं। ज़रूरत नहीं है इस वेब सीरीज़ को इतनी लंबी खींचने की, 3 पार्ट तक खींचने की, क्योंकि पहला पार्ट जो था वो मतलब बहुत ही लेंदी था, जिसमें हमें बाबा के जो आश्रम के बाहर का जो हमें दिखाया गया था वो बराबर था, और सेकेंड पार्ट में सब जो डार्क साइड है उसे दिखा के फिर वो उन्हें मतलब पर्दाफाश करना चाहिए था उनका, वो सब वगैरह वगैरह ऐसा सब करना चाहिए था, लेकिन ये सेकेंड सीजन तो मतलब आई एम सॉरी, सेकेंड पार्ट टू थोड़ा सा आपको, फर्स्ट पार्ट आपको एंगेज करके रखेगा लेकिन सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। और सभी की एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के बारे में क्या बात करेंगे यार, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था जैसे ही सभी की एक्टिंग थी वैसे ही सभी की एक्टिंग है। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में सभी की एक्टिंग अच्छी थी, सेकंड पार्ट में तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं। और स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो तो बहुत ही यार बहुत ही मतलब लेंदी था और बोरिंग जैसा लग रहा था, जैसे ही मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए वो 5-5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, जो बातें हमें एक एक 2-3 सेकंड में हमें पता चल जाती है कि हाँ ये सीन इस कारण से है, इस सीन ये सीन में हमें ये दिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खामा खा उसे 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 12 मिनट तब खींचते जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये पूरी वेब सीरीज़ मतलब इसी वजह से ये पूरा पार्ट टू बेकार हो गया है, और क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसा हो गया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं ये पार्ट टू भी ख़त्म हुआ है, आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपको ऐसा मतलब आपको, आप अगर ट्रेलर देख लोगे तो समझ लो कि आपने पूरा पार्ट टू देख लिया, वही है कुछ है नहीं कुछ ज़्यादा। तो दैट्स इट ओवरऑल, अभी इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं बोलना बोल सकता हूँ लेकिन अभी सुबह के 6 बजे मैंने सोया भी नहीं हूँ अभी तक, और मैंने एक ही साथ में पूरा पार्ट टू देख लिया, मतलब जिस पोजीशन में मैं बैठा था खड़ा भी नहीं हुआ हूँ, पूरे 9 के 9 एपिसोड वहीं बैठे बैठे मैंने देख लिए, तो अभी बहुत ही नींद आ रही है। ज़्यादा बात करना चाह रहा था सभी के बारे में, मतलब कि ये नहीं करना चाहिए था वो नहीं करना चाहिए था, थोड़ी थोड़ी सब जो सब बातें थी वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, सभी के बारे में बात करना बहुत ही चाहता हूँ लेकिन बहुत ही नींद आ रही है मुझे। तो ओवरऑल यही बोरिंग जैसा है थोड़ा सा, आपको बोर कंफर्म करेगा ये पार्ट टू, और जो जिसको पार्ट वन बहुत ही पसंद आया है उसके लिए पार्ट टू देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो आप इसको स्किप करोगे तो पार्ट थ्री जब आएगा तो आपको पार्ट थ्री देखने से पहले इसको पार्ट टू को भी देखना पड़ेगा। तो मेरी मानो तो पार्ट टू अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, वरना जिसने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूर देखिए, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है पार्ट टू में। तो दैट्स इट अभी की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ओ सॉरी गुड मॉर्निंग, बाय।